अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और बाय डिफ़ॉल्ट कभी आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप का पासवर्ड भूल जाते हैं, तो उससे होता क्या है कि अगर आप पासवर्ड लॉक खुलवा पाए तो अच्छा है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि पासवर्ड खुलता नहीं है और आपको अपना सी ड्राइव जो है वो फॉर्मेट करना होता है। तो अगर आप जो डेटा है अगर वो सी ड्राइव में स्टोर करते हैं, तो जब वो फॉर्मेट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी फॉर्मेट हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो सी ड्राइव में डेटा है वो हमेशा उड़ जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको अगर अपना डेटा बचाना है लैपटॉप या कंप्यूटर का, तो वो डी ड्राइव या ई ड्राइव या जो भी आगे का ड्राइव है उसमें सेव करिए, सी ड्राइव में सेव मत करिएगा। क्योंकि जब फॉर्मेट होता है तो सी ड्राइव का ही ऑपरेटिंग स्टेटमेंट या जो मेमोरी है वही फॉर्मेट होता है और नया ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डाला जा सकता है। तो अगर आपने डेटा डी ड्राइव या ई ड्राइव में स्टोर किया है तो वह हमेशा आपको मिल जाएगा। जैसे कि अभी मैं सी ड्राइव में जाके चेक करता हूँ, तो इसमें हमेशा जो सिस्टम फाइल से वो रहता है, ना कि जो आपने डेटा स्टोर किया था वो। लेकिन अगर मैं डी ड्राइव में जाऊँ और उसमें मैंने कुछ डेटा फॉर्मेट होने के पहले स्टोर किया था, वो हमेशा रहेगा। ये देखें, ये सब मैंने पहले डाला हुआ था, ये है। लेकिन जो सी ड्राइव में भी कुछ डेटा मैंने स्टोर किया था वो नहीं है, वो पूरा का पूरा गायब हो गया है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटा है विंडोज़ के ये सब के प्रोग्राम फाइल्स ये सब रह गया। तो हमेशा आप अपना डेटा जो है सी ड्राइव में स्टोर ना करके डी ड्राइव और ई ड्राइव में स्टोर करिए। अगर सी ड्राइव अगर आप बोलेंगे कि सी ड्राइव की मेमोरी ज़्यादा है, तो उसको डिवाइड किया जा सकता है आगे के ड्राइव में, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जितने भी ड्राइव आप चाहें उसमें। तो डी ड्राइव सी ड्राइव को सिर्फ सिस्टम डेटा के लिए रखिएगा और बाकी ड्राइव जो है वो आपके अदर डेटा के लिए रखिएगा। सी ड्राइव जितना छोटा से छोटा हो उतना ही अच्छा है। 50 GB तक रखे तो बहुत ज़्यादा होगा मैं बोलूँगा, क्योंकि सिस्टम का डेटा इतना में स्टोर हो जाता है। तो आप बाकी जो डेटा है वो डी ड्राइव या ई ड्राइव में करें। इससे क्या होगा कि अगर आप पासवर्ड भूल भी जाते हैं या कुछ और, जैसा मेरे साथ हुआ, मैं पासवर्ड भूल गया था, पुराना सिस्टम है इस वजह से, तो मैं रिकवर ही नहीं कर पाया उसको। और जब मैं गया तो मेरे को आता नहीं है, तो मैंने जब अप्रोच किया शॉप वाले को, तो वो बोला कि सी ड्राइव को फॉर्मेट करके आपको नया ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देंगे, और वही उन्होंने किया। अब मेरा सिस्टम पूरा नया हो चुका है, लेकिन पूरा नया हो गया सिस्टम और वही फाइल्स रह गए हैं जो डी ड्राइव और ई ड्राइव में था, बस वही रह गया। ई ड्राइव तो खाली है सर। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।